प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को अपनी डीपी में तिरंगे की फोटो लगाने के लिए कहा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें वो तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। अब इस पर मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कह दिया कि अब तिरंगे में भी विपक्ष को बीजेपी दिखने लगी है तो क्या ही कहा जाए। फिलहाल ये खींचतान चल ही रही थी कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरएसएस को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीट लिया। उन्होंने आरएसएस और मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल की तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी ट्विटर डीपी पर तिरंगा नहीं लगा रखा है। अब इसी को लेकर पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए लिखा कि संघ वालों, अब तो तिरंगे को अपना लो। इसी ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके अपने ही परिवार तक नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। यानी एक बार फिर से आरएसएस पर ये उंगली उठाई गई है कि उन्होंने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने आखिर क्यों 52 साल तक नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया? नहीं जानते तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे का पूरा किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर 52 साल तक झंडा क्यों नहीं फहराया, इसके पीछे की दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि आरएसएस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया था कि आम जनता अपने घर, अपने ऑफिस, संगठन के कार्यालय या फिर संगठन के मुख्यालय आदि पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, जिसे लेकर साल 2002 में कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून में संशोधन को लेकर फैसला सुनाते हुए आम जनता को भी अपने घरों, कार्यालयों और मुख्यालयों आदि पर तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद 26 जनवरी 2002 से आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराना शुरू कर दिया। यानी आरएसएस ने जानबूझकर नहीं बल्कि कानून की मजबूरियों के चलते 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। जो लोग इस मुद्दे से वाकिफ होंगे ज्यादातर को यही वाली थ्योरी पता होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक थ्योरी और है, जिसे जानने से पहले आपको अपने बचपन में जाना होगा। जो लोग 2002 से पहले स्कूलों में पढ़ते होंगे उन्हें याद होगा कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उनके स्कूलों में तो अक्सर झंडा फहराया जाता था, फिर चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी। तो फिर कानून तो इन स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए था। यहीं पर इस मुद्दे को लेकर दूसरी थ्योरी लाइमलाइट में आती है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू होने से पहले साल 1995 में नवीन जिंदल ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पिटीशन दायर की थी, जब उन्हें अपनी रायगढ़ वाली फैक्ट्री पर झंडा फहराने से अधिकारियों द्वारा रोका गया था। लेकिन तब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था। 15 जनवरी 2002 को कैबिनेट ने तिरंगा फहराने के मुद्दे को लेकर बनाई गई पीडी शिनॉय कमेटी की सिफारिशें मान ली और 26 जनवरी 2002 से ये नियम लागू कर दिया गया कि देशवासी कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि तिरंगा फहराने को लेकर पहली थ्योरी तो कहती है कि 2002 तक कोई भी प्राइवेट संस्था या आम इंसान किसी भी मौके पर झंडा नहीं फहरा सकता था, तो वहीं दूसरी थ्योरी कह रही है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था। तो इसमें से सही क्या है? इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में दो ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आम जनता खास मौकों पर भी तिरंगा फहरा सकती थी। पहला डॉक्यूमेंट 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनुअल है जो पंजाब गवर्नमेंट की साइट पर उपलब्ध है। इस सरकारी मैनुअल में कहा गया था कि खास मौकों पर आम जनता को तिरंगा फहराने से नहीं रोका जाएगा। वहीं इसी मामले को लेकर 15 जून 1971 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक लेटर भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही लहराया जा सकता है, लेकिन नेशनल डेज पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिससे यह साफ हो जाता है कि आजादी के बाद आरएसएस भी खास मौकों पर झंडा लहरा सकता था।
अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि 1950 के बाद 52 सालों में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पहली बार तिरंगा कब लहराया था। असल में साल 2001 में राष्ट्रप्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं ने आरएसएस हेडक्वार्टर पर जबरन तिरंगा लहरा दिया था, जिसके बाद इस घटना पर काफी बवाल भी मचा था। लेकिन 2002 में फ्लैग कोड के अमेंड होने के बाद आरएसएस ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद से हर साल आरएसएस तिरंगा फहराता रहा है। हालांकि आरएसएस का ऐसा दावा भी रहा है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को भी आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर झंडा लहरा चुका है। तो ये है आरएसएस और देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को लेकर पूरा किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।